अस्सलाम वालेकुम लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं रिजवान वेलकम बैक टू माय चैनल हमने स्टार्ट किया होता स्कूल ऑफ थाट साइकोलॉजी के अंदर और इनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियोस में हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट तीन स्कूल ऑफ थॉट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूडिंग बिहेवियरिज्म आप जाएँ तो आप इन वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज न्यू बिहेवियरिज्म को ये बिहेवियरिज्म की सेकेंड स्टेज है बिहेवियरिज्म में जो है वो बेसिकली तीन स्टेजेस पाई जाती हैं बिहेवियरिज्म न्यू बिहेवियरिज्म और सोशल बिहेवियरिज्म तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू बिहेवियरिज्म और इसमें पाए जाने वाले कंट्रीब्यूटर्स या साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं और उनके ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ उनको भी डिस्कस करेंगे और न्यू बिहेवियरिज्म की साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को स्कूल ऑफ थाट को दैट इज वट इज न्यू बिहेवियरिज्म सबसे पहले तो अब बात की जाए तो न्यू बिहेवियरिज्म आपके पास सेकेंड स्टेज है बिहेवियरिज्म की जो कि स्टार्ट होती है नाइनटीन से नाइनटीन तक ये आपके पास इसका ड्यूरेशन पाया जाता है ठीक है ये कॉन्डअप हुई थी नाइनटीन में तो यहाँ पे वाटसन का जो बिहेवियरिज्म था वो फर्स्ट स्टेज थी बिहेवियरिज्म की जिसने इसको इवॉल्व किया था न्यू बिहेवियरिज्म को इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इन्होंने दिए थे इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग होती है हमारे पास वो साइकोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट होती है यानी लर्निंग जो है वो साइकोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ लर्निंग जो होती है वही बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के अंदर कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लर्निंग ठीक है इन्होंने साइकोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया था कि साइकोलॉजी जो है वो लर्निंग की स्टडी का नाम है इसके बाद इन्होंने कहा था कि जितने भी बिहेवियर्स इंसान अपनी जिंदगी में इंसान अपनी लाइफ में और रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो परफॉर्म कर रहा है उनके पीछे जो है वो लॉ ऑफ कंडीशनिंग इन्वॉल्व होती है यानी कि मोस्ट मोस्टली जो बिहेवियर्स होते हैं वो अकाउंटेड होते हैं लॉ ऑफ कंडीशनिंग के ऊपर लॉ ऑफ कंडीशनिंग की बात करें तो इवेंट पैलो की बात आती है यहाँ पेलो पे जो है जो है वो आपके पास बिहेवियरिज्म में ही आता है यहाँ पे वो कहता है कि लॉ ऑफ कंडीशनिंग के ज़रिए इंसान जो है वो लर्निंग कर सकता है अपने इन्वायरमेंट से अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीख सकता है और नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है उसके बाद आपके पास साइको इन्होंने जो थर्ड कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज़ कि साइकोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनिज्म ज़रूर होना चाहिए अब निज्म क्या होता है आपके पास ऑपरेशनिज्म होता है आपके पास एक ऐसा प्रिंसिपल साइकोलॉजी के अंदर जिसमें आप बेसिकली अपने जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं साइकोलॉजिस्ट के उनको आप जो है वो अप्लाई करते हो उनको जो है आप जो है डेली लाइफ के ऊपर अप्लाई करके उनकी जो थेरीज होती हैं वो बताते हो ठीक है थेरीज बनाते हो उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं ऑपरेशन होते हैं उनको बनाते हो ठीक है तो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी चीज़ को किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके उनको प्रूव करते हो ठीक है ये उनको डिटर्मिन करते हो और ऑपरेशन्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं साइकोलॉजी के रिकॉर्डिंग ऑपरेशन साइकोलॉजी के जो थेरीज़ होती हैं उनको अप्लाई करके नेक्स्ट अगर इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो इसमें तीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एक है आपके पास टॉलमैन दूसरा आपके पास हल और तीसरा आपके पास बी एफ स्कैनर पाया जाता है तो स्टार्ट करते हैं जी पहला कंट्रीब्यूटर क्या है आपके पास टॉल एडवाड टॉल जो था वो नाइन एटीन एटी सिक्स में आ, से लेकर इसका जो ड्यूरेशन है नाइनटीन फिफ्टी नाइन है इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एडवर्ड टॉलमैन uh, की बात की जाए तो एडवर्ड टॉलमैन जो थे इन्होंने न्यू बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था अपनी बुक में जिस बुक का नाम था जी प्रोपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन ठीक है बेसिकली इनका थीम ये था कि इंसान जो भी बिहेवियर शो करता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है जिसकी वजह से वो बिहेवियर को शो कर रहा होता है अगर हम बिहेवियरिज्म को देखें तो बिहेवियरिस्ट जो थे उनका मकसद ही ये था कि वो उस चीज़ को स्टडी कर रहे थे कि जो भी बिहेवियर इंसान शो करता है उसके पीछे काजेज़ क्या है वो क्यों और किस वजह से जो है वो बिहेवियर को शो कर रहा है तो उन काजेज की स्टडी को जो नाम था वो आपके पास बिहेवियरिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट मिलता है तो न्यू बिहेवियरिज्म जो थे टॉलमैन जो थे एडवर्ड टॉलमैन इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि इंसान या जो भी जानवर होते हैं ये अपने बिहेवियर को शो करते हैं क्यों शो करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई एक पर्पज़ होता है जिसकी वजह से ये शो करते हैं इसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये जो बिहेवियर होता है जो ये शो करते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव बिहेवियर होता है और इसको हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी भी कर सकते हैं इन्होंने जो इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक थी स्ट्रक्चरलिज्म की उसको रिजेक्ट किया था ठीक है उसके बाद इन्होंने पांच जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए थे और इन्होंने कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर इंसान का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है ये पांच वेरिएबल्स कौन कौन से हैं पहला आ जाता है आपके पास इन्वायरमेंटल है दूसरा आ जाता है फिजोलॉजिकल ड्राइव्स तीसरी आ जाती है हेरिडिटी और चौथी आ जाती है आपके पास प्रीवियस स्टेजेस एंड द लास्ट वन इज एज ठीक है सबसे पहले अगर हम देखें इन्वायरमेंटल स्टिमूलाई की तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलई के में क्या है कि आप जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो आपके डिपेंड करता है कि आपके सामने स्टिमुलाई कैसा है ठीक है जैसा स्टिमोलाई होगा इन्वायरमेंट के अंदर वैसा ही आप जो है वो बिहेवियर शो करेंगे तो इन्वायरमेंटल स्टिमोलाई जो होता है वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करता है और जो बिहेवियर होता है आपका उस पर डिपेंड करता है स्टीमुलाई के ऊपर ये कहना था एडवर्ड टॉलमैन का दूसरी इन्होंने कहा था विजोलॉजिकल ड्राइव्स जैसी आपकी ड्राइव्स होती हैं आप उस तरीके से ही काम कर रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ़िजलॉजिकल ड्राइव इस वक्त ये है कि आपको भूख लग रही है और आप कुछ खाना चाह रहे हैं आप हंग्री हैं तो क्या है आपके बिहेवियर क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ खाने के लिए तलाश करेंगे और कुछ ना कुछ खाएँगे तो ये आपके पास फ़िजिलॉजिकल ड्राइव जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये बिहेवियर जो खाने का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है फ़िजोलॉजिकल ड्राइव यानी कि हंगरीनेस पे ठीक है तो उसके बाद आ जाती है हेरिडिटी हेरिडिटी के बाद आपके पास आ जाती है प्रीवियस ट्रेनिंग प्रीवियस ट्रेनिंग के बाद आपके पास एज आ जाती है अगर प्रीवियस ट्रेनिंग में आपको एग्जांपल दूं तो ये जो आपके पास रेस्क्यू वाले होते हैं वन वन जो भी रेस्क्यू वाले आपके पास होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उनमें उनको प्रीवियसली ट्रेन किया जाता है किसी भी सिचुएशन से रिकॉर्डिंग किसी भी बिहेविय कंडीशन से रिकॉर्डिंग अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपने ऐसा बिहेवियर शो करना है तो वहाँ पे जब भी उनको एक वैसी ही सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो जो बिहेवियर उन्होंने प्रीवियस लर्न किया हुआ था जो बिहेवियर उन्होंने प्रीवियसली ट्रेनिंग में मिला हुआ था उनको शो करने के लिए बताया गया था वही वो, वो बिहेवियर उस सिचुएशन के अंदर जो है वो शो करेंगे तो प्रीवियस ट्रेनिंग भी जो आती है, है वो भी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करती है हमारे बिहेवियर के साथ और हमारे बिहेवियर को काज करने की सबब बनती है इसके अलावा एज विद द पैसेज ऑफ एज और जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है एज के लिहाज से इंसान का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है आ, मतलब चाइल्ड हुड में हमारा बिहेवियर कुछ और होगा सेम सिचुएशन से रिकॉर्डिंग और अडल्टड में हमारा बिहेवियर कुछ और होगा जब हम आ, ओल्डर एज में जाते जाएंगे तो हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता चला जाएगा तो ये पाँच वेरिएबल्स जो थे वो एडवर्ड एडवरटोलम ने दिए थे कि ये पाँच वेरिएबल्स जो हैं हमारे बिहेवियर को काज करने का सबब बनते हैं नेक्स्ट एडवर्ड एडवरटॉलम ने डिस्कस किया था कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेबल होना चाहिए ठीक है और उनको ऑपरेशनल होना चाहिए ठीक है ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और उनको ऑपरेशनलिज्म uh, के प्रिंसिपल पे भी बेस करना चाहिए उसके बाद इन्होंने कहा था इन्होंने जो कंसेप्ट नेक्स्ट दिया था इन्होंने कहा था कि जो हमारा बिहेवियर होता है जब हम एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं या परफॉर्म करते हैं या एक टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो लर्निंग होती है वो स्ट्रेंथन होना होती चली जाती है हमारा जो टास्क है जिसको हम लर्न कर और जो हमारी क्यू, और और दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉग होता चला जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम रोज हमारी एक रूटीन है कि हमने आ, जो है वो इतने बजे सुबह उठना है आ, फाइव ओ क्लाक उठना है आपने तो यहाँ पे अगर आप इस बिहेवियर को रिपीट करते हो कुछ डेज़ के लिए या वीक्स के लिए तो जैसे जैसे आप इसको रिपीट करते चले जाओगे परफॉर्म करते चले जाओगे तो क्या है कि आपका बिहेवियर जो है वह स्ट्रेंथन होता चला जाएगा और आपके जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं क्या हो सकते हैं कि लॉन्ग क्लॉक हो सकती है और इसके अलावा राइजिंग सनराइजिंग हो सकती है ये चीज़ें जो होती हैं इनका रिलेशनशिप आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्टों उन्होंने दिया था वो कांगनेशन का दिया था कि कॉन्गनेशन जो होती है वो लर्निंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है और इसी बेस के ऊपर इन्होंने एक थेरी भी दी थी और उस थेरी के अंदर इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है वो किया था यूटिलाइज उसमें पहला इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो थी लेटन लर्निंग एंड दूसरा इन्होंने कोगनेटिव मैप का कॉन्सेप्ट दिया था इनशा अगर आगे हम जब अपने इनकी थेरी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ़ इसका एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि लिटन लर्निंग क्या होती है और कोगनेटिव मैप क्या होता है कोगनेटिव मैप इज़ समथिंग कि आप की जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की उसका जब आप आ, अ, मेंटल इमेज बन जाता है आपके माइंड के अंदर तो वो कोगनेटिव मैप होता है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप कहते हैं कि आपको पता है कि आपकी आ, जो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता क्या है ठीक है तो यहाँ से मैंने गुजरना है यहाँ से होते होते मैंने यूनिवर्सिटी में पहुँचना है तो आपके माइंड में ये रास्ता बिल्कुल फीड हो चुका है ठीक है इसका इमेज आपके माइंड में बिल्कुल बन चुका है तो ये आपके पास कोगिनेटिव मैप क्या लाएगा लेकिन यहाँ पे लेटन लर्निंग की अगर बात की जाए तो जो एडवर्टॉलमैन थे वो कहते थे कि हम लोग सीख लेते हैं लर्निंग कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो लर्निंग होती है वो पहले से हुई होती है लेकिन हम उस लर्निंग को या उस बिहेवियर को तब शो करते हैं जब हमारे सामने कोई भी री का जो होता है ना स्टिमुलाइट प्रेजेंट होता है तब हम उसकी जो हमारी शो करने की स्पीड होती है बिहेवियर को या क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू रेगुलर uh, सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोगोनेटिव मैप किसका बना आपकी हॉस्टल से लेकर आपके यूनिवर्सिटी तक का जो कोगनेटिव मैप था वो बना था ठीक है अब यहाँ पे आप अगर देखें तो डेली अगर हम यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो हम, हमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती हमें इतना वो नहीं होता कि जो है हमने जाना है और हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग भी होता है लेकिन लेटर लर्निंग में क्या होगा अब हमने सीख तो लिया है कि आपने यहाँ यहाँ से गुजरते हुए जो है वो जाना है यूनिवर्सिटी की तरफ अब लेटर लर्निंग में आ, क्या कहते हैं टॉलमैन टॉलमैन कहते हैं कि अगर यहाँ पे आप कोई भी री दे दें तो आपकी जो लर्निंग होती है वो वहाँ पे इंसान जो वो शो करता है क्योंकि वो उनके कॉन्सिक्वेंस को देख रहा होता है तो अगर तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आज फेवल है तो आपकी जो स्पीड होगी ना जाने की वो बहुत ही तेज़ होगी एज़ कम्पेयर टू यूजल आप जाते हैं तो यही कहना है जी टॉल मैन का नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं न्यूबिवरिज्म में वो हैं जी हल क्लॉर्क हर की uh, जो आपके पास 1884 फोर डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ इनकी 1952 है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मैथड्स uh, पे बात की थी बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के जो मैथड्स हैं उन्होंने उस पर बात की थी उन्होंने कहा था कि मैथड्स को मैथड शूड भी मेथड्स को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैथड्स को क्वांटिटेटिव होना चाहिए मैथड्स को सिस्टमैटिक होना चाहिए ऑब्जर्वेबल होना चाहिए ठीक है और सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मैथड यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग मैथड यूज़ कर सकते हैं ऑफ हाइपोथिस अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथसिस को यूज़ करके इन्होंने एक मैथड uh, को प्रपोज किया था जिसका नाम था हाइपोथैटिक डिटेक्टिव मैथड एक ऐसा मैथड जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग भी कर हैं उसको कहते हैं हाइपोथेटिक डिटेक्टिव मैथड तो ये इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने एक थेरी दी थी जिसका नाम था जी ड्राइव नीट रिडक्शन इंशाल्लाह जब थेरी डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे यहां पे बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि इंसान अपने ड्राइव्स को सेटिस्फाई करने के लिए या ड्राइव्स को रिड्यूस करने के लिए कोई भी बिहेवियर को वो शो करता है जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल देखी थी भूख लगने की तो वहाँ पे हंग्री नेस थी तो हंगरीनेस जो थी वो ड्राइव थी जब ये ड्राइव आपके अंदर जो है वो एक वेव की सूरत में आई ठीक है ऊपरी तो क्या है इस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए आपने खाना खाया आपने एक बिहेवियर शो किया तो ये इनका कहना था कि इंसान बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि वो अपने ड्राइव्स को रिड्यूस करना चाहता है ये ड्राइव्स को सेटिस्फाई करना चाहता है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इनकी नीड रिडक्शन थेरी का इसमें इन्होंने दो तरह की जो है सॉरी दो तरह की ड्राइव्स का जिक्र किया था प्राइमरी ड्राइव्स और दूसरी जो है आपके पास कैंडी ड्राइव्स इन दोनों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो मेरे उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा आप फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ हाइलाइट्स को पढ़ रहे हैं कि इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इन्होंने क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिए थे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्कैनर बी एफ स्कैनर आपके पास जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही मतलब आपने इनका बिहेवियरिज्म में एक नाम है इनका और इनका जो ड्यूरेशन है नाइनटीन 1904 से लेकर 1990 तक इनका ड्यूरेशन है इन्होंने एम्पेरिकल सिस्टम दिया था एम्पेकल सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, जिसको आप फर्दर साइंटिफिकूव कर सकते हो फर्दर इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो इसकी थेरी के ऊपर। और इन्होंने जो रिसर्च uh, कंडक्ट करने का माध्यम दिया था वो एम्पेरिकल सिस्टम पर बेस करता था और थेरेटिकल फ्रेमवर्क को इन्होंने अवॉइड किया था उसके बाद इन्होंने जो मेन कॉन्सेप्ट्स दिए थे सबसे पहले इन्होंने जो रिस्पोंडेंट होता है और जो ऑपरेंट uh, बिहेवियर होता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या था रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि इन होता है ठीक है जबकि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है वॉलेंट्री होता है पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो होता है वो ऑनल्ट होता है जबकि जो आपके पास ऑपरियन बिहेवियर होता है वो लर्न बिहेवियर होता है यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर क्या हो सकता है कि आपकी जो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ठीक है आप ने अगर कोई एक्सीडेंट देखा है तो वो आप एटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर जो पल्पिटेशन है उसका रेट तेज़ हो जाएगा तो ये आपके पास रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है जो कि आपने एक स्टिमोलाई को देख शो किया और ये एक अनलर्न बिहेवियर होता है ये लर्न बिहेवियर नहीं होता दूसरी तरफ अगर आप ऑपरियन बिहेवियर की बात करते हैं तो ऑपरियन बिहेवियर एक लर्न बिहेवियर होता है और एक वॉलेंट्री बिहेवियर होता है और ऑपरियन बिहेवियर आप तब शो करते हो जब आपके सामने कोई उन कोई री प्रोवाइड की जाती है ठीक है और लर्न बिहेवियर होता है ये आपके पास जैसे कि मैंने रेस्क्यू की एग्जांपल दी थी तो रेस्क्यू वाले जो होते हैं वो ऑपरियन बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं लर्न तो बिहेवियर को वॉलेंट्री बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं अगर वो चाहें तो वो उस बिहेवियर को शो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनका मेन कॉन्सेप्ट एक और आता है दैट इज़ लॉ ऑफ एक्विजिशन लॉ ऑफ एक्विजिशन में ये है कि इनका कहना था कि जो ऑपरियन बिहेवियर होता है जो कि लर्न बिहेवियर होता है अगर इसके सामने आप एक री रख देते हैं री या री स्टिंग स्टिंगलाई को रख देते हैं तो जो पर्सन के ऑपरेंट बिहेवियर होगा जो पर्सन का ऑपरेंट बिहेवियर पहले था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ठीक है अब यहाँ भी क्या है कि आप एक बच्चे को होमवर्क दे रहे हो तो होमवर्क आप आपने बच्चे को टाइम फिक्स किया हुआ कि इस टाइम पे आपने जो है वो हो होमवर्क करना है ठीक है तो ये आपके पास बच्चे का लर्न बिहेवियर आता है कि आपने बच्चे को सिखाया कि इस टाइम पर आपने होमवर्क करना है ठीक है तो ये ऑपरेंट बिहेवियर हो गया आप यहाँ पर आप अगर इसके साथ अगर आप रख देते हो उनके साथ उनकी फेवरेट कोई भी चीज़ ठीक है अब आजकल के बच्चों की फेवरेट चीज़ क्या हो सकती है मोबाइल हो सकते हैं गेम खेलना हो सकती है ठीक है तो टैबलेट वगैरह यूज़ करना हो सकती है तो फेवरेट चीज़ या इन री इनफोर्सिंग कोई भी चीज़ आप रख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप उनको कह देते हो कि आपने लर्निंग लड़ने के बाद आपको जो है वो फ़ोन मिलेगा मोबाइल फ़ोन मिलेगा गेम खेलने के लिए तो क्या होगा कि उनकी जो ऑपरियन बिहेवियर होगा वो बेटर होता चला जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप उनको ये री इनफोर्सिंग प्रोवाइड नहीं करते एट दी एंड तो यही कहना था जी बी एफ स्कैनर का बिहेवियर मोडिफिकेशन की इन्होंने बात की थी कि इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको रीशेप किया जा सकता है उसको शेप दी जा सकती है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थे बी एफ स्कैनर की एक और बात बता चलूँ की के ऊपर और मंकीज के ऊपर और दूसरे जानवरों के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था और इनका भी स्कैनर बॉक्स बहुत फेमस है ठीक है उसको भी इंशाल्लाह इनकी थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट अगर बात करते हैं न्यू बिहेवियरिज्म की क्रिटिसिज्म के ऊपर तो इन्होंने भी पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट पर बात की थी जबकि इन्होंने जो है दूसरे मोड ऑफ लर्निंग पे बात नहीं की थी और इसी की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया था द मेजर थिंग इज़ कि बिहेवियरिज्म और न्यू बिहेवियरिज्म में क्या डिफरेंस है अब बिहेवियरिज्म और न्यू बिहेवियरिज्म में क्या डिफरेंस है और क्यों uh, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है बिहेवियरिज्म पहले आया था ठीक है उसके नतीजे में आया था न्यू बिहेवियरिज्म थोड़े बहुत चेंजेस को इवॉल्व करके ये कॉन्सेप्ट आया था लेकिन मेजर इनका कॉन्सेप्ट या सिमिलैरिटी इनमें यही थी कि ये दोनों जो है ये स्टडी कर रहे थे बिहेवियर के पीछे काज को ठीक है कि बिहेवियर के पीछे क्या काज है जिसकी वजह से हम जो है वो बिहेवियर को शो करते हैं ये इस काज को स्टडी करना चाह रहे थे इस रीज़न को स्टडी करना चाह रहे थे अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो वाटसन का बिहेवियरिज्म था यानी कि जो प्रीवियस वाला बिहेवियरिज्म था और जो न्यू बिहेवियरिज्म था उन वाटसन uh, के बिहेवियरिज्म ने मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था जबकि न्यू बिहेवियरिज्म ने मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया था बल्कि इन्होंने अपोज किया था इनको कि मेंटलिस्टिक टर्म्स को अपोज़ किया था कि माइंड से रिलेटेड जितने भी थाट्स से रिलेटेड इस तो तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनकी सारी की सारी जो लर्निंग है वो बेस कर रही है कंडीशनिंग के ऊपर इनकी सारी की सारी लर्निंग जो बेस करिए री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर उसके बाद इनके पास देखें तो न्यू बिहेवियरिज्म जो होते हैं वो लेबॉरटरी एक्सपेरिमेंट को अपोज नहीं करते इसके अलावा इनका जो फोकस होता है वो आ, ये इस चीज़ पर फोकस नहीं करते जो न्यूरल सबस्ट्रेट ऑफ लर्निंग है इसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया जैसे कि न्यू बिहेवियरिज्म वालों ने किया था इसके बाद इन्होंने कॉग्निशन की भी बात की ठीक है उसके बाद इन्होंने एक नई डायरेक्शन दी थी साइकोलॉजी को कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आगे किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इन्होंने के एक नई डायरेक्शन किस तरह से दी थी कि इन्होंने कहा था कि सिर्फ फिजोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो ही बिहेवियर को शो करने के काज नहीं होते बल्कि इनके पीछे बिहेवियर को शो करने के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और भी बहुत सारे काज़ होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को शो करने की वजह बनते हैं ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया न्यू बिहेवियरिज्म को आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए स्कूल ऑफ थाट को तब तक के लिए फीमान ला